हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष शेखर है एंड वेलकम बैक टू फीफा फूज। सो जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं कि जो बिग बॉस के फॉर्मर कंटेस्टेंट हैं वो लोग काफ़ी अपने ओपिनियंस दे रहे हैं फॉर व्हाट एवर हैपनिंग इन बिग बॉस हाउस, और जो भी हो रहा है, जो भी फेयर और अनफेयर गेम चल रहा है उसके बारे में वो हमेशा ओपिनियन दे रहे हैं। तो इस बार राजीव डाटिया ने अपना ओपिनियन दिया है गौतम के एलिमिनेशन पे। सो राजीव अटाटिया ने इससे पहले भी जब सुम्बुल और टीना और शालीन का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें शालीन और एमसी स्टैन की लड़ाई हुई थी, उस टाइम जो हुआ था जब सुम्बुल शालीन को कंट्रोल कर रही थी और उनसे कह रही थी कि लड़ने को नहीं, जो भी इंसिडेंट हुआ था जिसमें सब बिग बॉस, एक एक बिग बॉस के लोग उस पर चढ़ गए थे और घर वाले भी उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो शालीन से काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, और टीना जो पूरी कहानी उन्होंने जो भी बताया वो उन्होंने सुम्बुल के इर्द गिर्द बताया कि कैसे सुम्बुल इज़ इन लव और कैसे सुम्बुल काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं और सुम्बुल सिर्फ शालीन के बारे में बात करती हैं। टीना ने ये सब बताया। उस टाइम भी राजीव ने ट्वीट करते हुए ये कहा था कि जब वो शो देख रहे थे तो उन्हें ये लगा कि टीना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं शालीन से कंपेयरिंग टू सुम्बुल। सुम्बुल सिर्फ एक प्रोटेक्टिव वाइब दे रही थी, सुम्बुल एक प्रोटेक्टिव फ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी, जो चाहती थी कि चीज़ें बिगड़े ना, चीज़ें सब सही रहें। वो एक प्रोटेक्टिव फ्रेंड और प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव कर रही थी, जो नॉर्मल लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, और वो उनमें कहीं ऑब्सेशन या कहीं लव या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। वो एक जेन्युइन प्रोटेक्शन जो एक इंसान एक अपने दोस्त को प्रोवाइड करता है वो वैसा था। बट टीना उनको ज़्यादा ऑब्सेस लग रही थी, और टीना उनके बारे में ही बात की जा रही थी और काफ़ी उनके बारे में बोल रही थी, और टीना जो है हर टाइम जो है शालीन शालीन करती रहती हैं, और जिस हिसाब से वो सुम्बुल को सुना रही थी, जिस हिसाब से वो सुम्बुल को के ऊपर गुस्से में बोल रही थी, वो उन्हें लगा कि टीना इज़ मोर ऑब्सेस्ड और टीना को लगता है कि शालीन उनसे प्यार करता है तो उनके बीच कोई आए ना। तो ऐसा टीना को प्यार है, टीना को ऑब्सेशन है, सुम्बुल एक जस्ट प्रोटेक्टिव फ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी, उस पर लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए, और डेफिनेटली उनके कैरेक्टर के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिए, हर किसी को ऐसे नहीं सवाल उठाना चाहिए। इस बार उन्होंने जब गौतम का एलिमिनेशन हुआ तो गौतम के एलिमिनेशन पे उन्होंने ये कहा कि जो गौतम का एलिमिनेशन है वो काफ़ी अनफेयर है, क्योंकि गौतम काफ़ी स्ट्रांग प्लेयर हैं और वो काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं, बट उनको जो एलिमिनेट करने का डिसीजन था वो काफ़ी अनफेयर था, और बिग बॉस में और भी लोग हैं जो जिनको जो एलिमिनेट होने के लायक हैं, बट गौतम नहीं डिजर्व करते थे, वो काफ़ी अनफेयर था। तो उन्होंने ये भी बोला कि वो गौतम को टीवी पे देखना, बिग बॉस के घर में देखना पसंद करते हैं, ना कि वो जो है टीना और शालीन का जो बोरिंग लव स्टोरी बन गया है, जो सब कुछ फेक सा बन गया है, उसको देखना पसंद करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि गौतम का जो एलिमिनेशन है वो सही था या गलत, और टीना और शालीन का जो चल रहा है वो आपको बोरिंग लगता है या दैट इज मोर इंटरेस्टिंग? सो ये सब हमें बिग बॉस के हाउस में देखने को मिल रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको क्या लगता है, गौतम का एलिमिनेशन सही था या नहीं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।